हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बन और मैं आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं। जी हां, थंबनेल देख के आप लोगों को पता ही चल गया है कि आज हम लोग बात करेंगे कि आपके लव लाइफ में क्लैरिटी कब आ रहे हैं। जी हां, कि कब आपके पार्टनर आपको प्रपोज करेंगे, कब आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे, कब आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, कब आपके पार्टनर बोलेंगे कि वो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक जनरल रीडिंग हो रही है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ को आप लेंगे, बाकी सारे चीज़ को आप छोड़ देंगे। नेक्स्ट ये रीडिंग हम करेंगे आपके बर्थ डेट के अनुसार। तो अगर आपके बर्थ डेट है 1 से 15 तो आप पाइल नंबर 1 को चूज़ करेंगे, और अगर आपके बर्थ डेट है 16 से 31 तक तो आप लोग पाइल नंबर 2 को चूज़ करेंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों का जो रीडिंग होगा ये होगा एक टोटल जनरल कलेक्टिव रीडिंग और टाइमलेस रीडिंग। तो अगर ये रीडिंग और ये वीडियो अभी देख रहे हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। अगर ये वीडियो आप बाद में भी देखेंगे तो भी ये वीडियो आपको रेजोनेट करेंगे। तो मेरा जो कहने का मतलब है, अगर आप लड़की हो, लड़के हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, ये वीडियो आप देख सकते हो, क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। और मैं जो भी रीडिंग करता हूँ वो एक जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं होता है, वो सोल बेस्ड रीडिंग होता है। तो उसके साथ साथ चलता हूँ अभी रीडिंग के पास। तो आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको मेरे को अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। अगर अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी आप लोग दबा दीजिए। और मिलता हूँ पाइल नंबर 1 के पास। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो अगर आपके बर्थ मंथ है 1 से 15 कोई भी मंथ का, किसी भी मंथ का, तो आप लोग पाइल नंबर 1 को चूज़ करेंगे। और अभी हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में क्या क्लैरिटी आ रहे है और कब क्लैरिटी आ रहे है। तो ये रहा टैरोट और मैं एनर्जी को एक्सचेंज करूँगा। आप लोग भी एनर्जी को एक्सचेंज कर दीजिए। चकुरे हील एन एनर्जाइज। ओके, और आप लोग मेरे साथ बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसी टाइम पे आप लोग लाइक कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बोल दीजिए कि कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए शफल करते हैं। देखो यहाँ पे आया है 2 of Wands, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहे हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, या फिर हो सकता है वो आपको कांटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एरियस लियो सजिटेरियस एनर्जी है और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर आपके पर्सन उनके अंदर कोई बैड हैबिट्स को हटाना चाह रहे हैं, या फिर आपके पर्सन बहुत अच्छे तरीके से सोच रहे कि कैसे वो अपने ज़िंदगी को और भी अच्छे तरीके से जिए, तो ये मैं देख सकता हूँ। बहुत हेल्दी हैबिट के बारे में वो सोच रहे हैं, वो आपके बारे में आपको मिस कर रहे हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे हो। अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस है तो वो 2 दिन के अंदर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं देख सकता हूँ आपके अब दोनों का एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे अगर प्रायोरिटी इशू हो रहा था, या फिर रिलेशनशिप पे थोड़ा छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट्स हो रहा था, या फिर वो आपको हर्ट किए थे, तो वो अभी आपको मनाने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वो आपके सामने आएंगे और आप लोग मिलेंगे भी 2 दिन के अंदर, और वो आपको सॉरी भी बोलेंगे। तो मैं देख सकता हूँ कि 2 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा क्लैरिटी आ रहा है, रिलेशनशिप चेंज हो जा रहा है। आप लोग एक साथ कहीं पे जा सकते हो, ये कोई भी जगह हो सकता है, ये फॉर मीटिंग के लिए हो सकता है, काम के लिए हो सकता है। आप लोग मिल रहे हो 2 दिन के अंदर, वहाँ पे एक बहुत अच्छा सा क्लैरिटी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग प्रपोज के लिए वेट कर रहे हो सकते हैं, जो लोग दोनों ही मैरिड कपल हो, तो वहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ कि 2 दिन के अंदर बहुत अच्छे से एनर्जी आ रहा है। हो सकते हैं वो आपको कुछ अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ अच्छा सलाह दे सकते हैं, बहुत अच्छे टाइम स्पेंड करेंगे आप लोग, और उस 2 दिन के बाद से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके रिलेशनशिप किस ओर जा रहे हैं। उसके बाद देखूंगा और क्या क्लैरिटी देखता हूँ। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकन के एनर्जी आता है, साथ ही साथ बॉटम ऑफ द डेक पे सिंस इट्स अ किंग ऑफ शोर्ड्स आया है, तो मैं बोल सकता हूँ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का एनर्जी। तो अगर आप एक टॉरस वर्गो कैप्रिकन हो, या फिर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो, या फिर एरीज लियो सजिटेरियस हो, तो मैं देख सकता हूँ कि आपके लव लाइफ में एक रिलायबिलिटी आ रहा है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एक दोनों को समझोगे, माफ करोगे, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा, एक रिलायबल तरीके से आगे बढ़ेगा। आप लोग डिटरमाइंड होंगे, आप लोग एक दूसरे का
का स्ट्रेंथ को भी जानेंगे, आप लोग एक दूसरे का वीकनेस को भी जानेंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों का दोनों के बीच में रिस्पेक्ट बढ़ेगा और आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। मेरे ख्याल से जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स था तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएगा। और अगर आपके पर्सन बहुत स्लो है या फिर अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऑड वे में रिएक्ट करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसको मनाना होता है बार बार या फिर बहुत छोटी छोटी चीज़ को दिल पे लेते हैं, तो वो पर्सन को आप बहुत अच्छे से प्यार करेंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे और आप उसके लिए क्या हो वो भी समझ पाएंगे वो, और आप के उनके लाइफ में आप के मतलब उनके लाइफ में आप कितना इम्पॉर्टेंट हो ये भी आपको पता चल जाएगा, महत्वपूर्ण हो वो भी आपको पता चल जाएगा। और मैं देख सकता हूँ कि आप लोग कोई ट्रैवल प्लान कर सकते हो, आप कोई अच्छे रेस्टोरेंट पे खा सकते हो, या फिर मैं देख सकता हूँ दोनों मिलके कुछ काम करोगे और बहुत ही सक्सेसफुली वो काम को आप लोग सॉल्व करोगे। मैं देख सकता हूँ कि आप अपने पार्टनर को हेल्प करोगे और आपके पार्टनर भी आपको म्यूचुअल हेल्प करेंगे। अगर कोई भी प्रॉमिस आपके पार्टनर आपको किए थे वो वादा वो निभाएंगे, तो वो वादा निभाने के लिए आ रहे हैं। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो यहाँ पे ऑफिशियल कमिटमेंट होने का चांसेस है 1 से 12 दिन के अंदर। अगर मैं देख सकता हूँ कि दोनों ही सेम सिटी पे भी हो तो भी मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा, फिजिकल इंटीमेसी का भी चांसेस है। मेरे ख्याल से अगर आप एक सॉरी के लिए ढूंढ रहे हो तो आपके पार्टनर शायद आपको सॉरी बोल सकता है। आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स था वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। चलता हूँ इनके फाइनल आउटकम की तरफ। क्या होगा फाइनल आउटकम? देखो यहाँ पे फाइनल आउटकम आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इससे बेटर आउटकम और क्या हो सकता है बोलो? प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, यानी कि आपके पार्टनर आपको प्यार भी करेंगे और आप दोनों के बीच में बहुत अच्छे से रिश्ता मजबूत होगा। और मैं देख सकता हूँ कि आप अपने पार्टनर के मुताबिक कुछ काम करेंगे, वो जो बोल रहे वो भी सुनेंगे और आप भी जो बोल रहे हो वो भी सुनेंगे। आप दोनों के फैमिली इश्यूज अगर चल रहा था तो ये फैमिली इश्यू सॉल्व हो जा रहे हैं, फैमिली से एक्सेप्टेंस मिल जा रहा है और मेरे ख्याल से सोशल एक्सेप्टेंस आप लोगों को मिल सकता है। आप लोग जो भी काम के जाओगे वो काम सक्सेसफुल होगा, आप लोगों का रिलेशनशिप भी सक्सेसफुल होगा। साथ ही साथ बोल रहा हूं कि आप लोगों का अगर इमोशनल इशू चल रहा था, डिप्रेशन में जा रहे थे, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहा था, तो आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जा रहे हैं। फाइनली आपके पार्टनर आपको स्पेशल फील कराएंगे, आपके लेके स्टैंड लेंगे, आपको लेके एफर्ट देंगे, वो एक्शन लेंगे, वो आपको कॉन्टैक्ट भी करेंगे 1 से 15 दिन के अंदर। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो यहां पर क्लैरिटी मिल जा रहा है। मैरिज प्रपोजल आ सकता है, जो सीक्रेट क्लैश है वो भी आप लोगों के पास आ रहे हैं, या फिर जो लोग फ्रेंडशिप में हो बट ये फ्रेंडशिप नहीं, ये रिलेशनशिप है, तो ये रिलेशनशिप पे आपके फ्रेंडशिप बदल जा रहे हैं, एक कमिटमेंट के ओर आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों ही सोलमेट हो एक दूसरे का। स्लो बट स्टेडी विन द रेस आप लोगों का मोटो है। अगर आपके रिलेशनशिप 2 साल 4 साल के पुराने हैं तो ये एक रिलेशनशिप नए और मूव करेंगे और ये रिलेशनशिप एक तगड़ा रिलेशनशिप पे चेंज हो जा रहे हैं। हो सकता है छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट हुआ था और आपका दिल दुख गया था, आपके पार्टनर भी आपको हर्ट किए थे, आप भी आपके पार्टनर को हर्ट किए थे, बट अभी वो पुराने सारे चीज़ों को भुला के आप लोग आगे बढ़ जा रहे हो और आप लोग स्पिरिचुअली एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, मैजिक इस्तेमाल कर रहे हो। आप चाहते हो कि वो पर्सन आपको प्यार करे, वो पर्सन आपके आपको चुने, वो पर्सन ही आपके पास रहे सारे लाइफ पूरे लाइफ, तो मैं देख सकता हूँ कि आपके मैनिफेस्टेशन भी सफल हो जा रहे हैं और ये लॉयल्टी ट्रस्टवर्दीनेस ये आपको फील हो जाएगा, तो क्लैरिटी मिल रहा है। साथ ही साथ वो आपको ये भी वचन दे सकते हैं कि वो आपके सिवा किसी और के पास नहीं जाएंगे या फिर वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, ऐसे सीन आपको दिखने को मिल सकता है। मैं देख रहा हूँ आप लोग एक मूवी डेट पे जा सकते हो, डिनर डेट, लंच डेट पे भी जा सकते हो। आप लोग कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड काम एक साथ करोगे, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो मैं देख सकता हूँ कि प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ चीज़, फिनेंस रिलेटेड कुछ चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो इसीलिए वो परेशानी खत्म हो जा रही है। अगर आप लोग कपल्स हो, मतलब आप लोग डेट कर रहे हो बहुत ही लंबे अरसे से, तो मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ हुआ था, प्रायोरिटी इशू या फिर कम्युनिकेशंस के लेके या फिर फ्यूचर को लेके कुछ गड़बड़ हुआ था और आपने सोचे थे कि मूव ऑन कर जाएंगे आप। उस सिचुएशन से ये रिलेशनशिप 360 और चेंज हो जा रहे हैं और फाइनली आप लोग सेट कर मतलब डिसाइड कर रहे हो कि नहीं, उसको छोड़ के आप कहीं नहीं जाएंगे और वो भी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे और आप ये सोचेंगे कि एक दूसरे का अच्छे चीज़ क्या है, आपके दोनों के अंदर कौन से अच्छाइयाँ है और कैसे वो आपको मदद किए आपके खराब टाइम पे और आप भी कैसे उसको मदद किए हो उनके खराब टाइम पे, तो ऐसे दोनों ही दोनों को कम्प्लीमेंट करेंगे, यही एक अच्छा चीज़ होता है रिलेशनशिप का। तो मैं देख सकता हूँ क्लैरिटी तो आ ही रहा है, साथ ही साथ प्यार मोहब्बत वो भी बढ़ रहा है और फैमिली का सपोर्ट भी आप लोगों को मिल रहा है। तो इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म करता हूँ, चलता हूँ सेकेंड पाइल पे। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा और आप लोगों को रेजोनेट किया तो प्लीज़ 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 आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल बटन को, यानी कि सब्सक्राइब बटन के बाद
जो बेल बटन है उसको आप थोड़ा सा दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पोस्ट करूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू, चलता हूँ नेक्स्ट पाइल के पास। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर टू, तो अगर आपके बर्थ डेट है किसी भी मंथ का 16 से 31 तक, तो आपके लिए ये पाइल है, ये ग्रीन वाला पाइल आपके लिए है। तो अभी हम देखेंगे आपको क्या क्लैरिटी आ रहे हैं और आपको कब क्लैरिटी मिल रहे हैं। तो इसी के साथ कार्ड को एनर्जाइज करते हैं। चकुरे 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 हील एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एनर्जाइज। और आप लोग मेरे साथ बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसी टाइम पे आप लोग एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बोलिए। तो अगर आपके पार्टनर का या फिर आपका बर्थ मंथ है 16 to 31, तो देखेंगे क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे आ रहा है 9 of Swords। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों का ओवरथिंकिंग चल रहा था, स्लीपलेस नाइट जा रहा था, बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा था, आप सो नहीं पाए थे और आप लोग मैनिफेस्ट करते जा रहे थे कब ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस खत्म होगा, कब आपके पार्टनर आपके पास आएगा, कब वो आपको प्रपोज करेंगे, कब वो आपको शादी के लिए बोलेंगे, कब वो अपने फैमिली के पास जाके आपके बारे में बोलेंगे। तो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन चल रहा था, आपको कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या करे, आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे थे कि वो आए, वो आपसे बातें करें और आपके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होगा, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट खत्म हो जा रहे। हाँ, काफी ज्यादा ओवरथिंकिंग आप करते हो, ट्रस्ट इश्यूज भी है, बट उतना ज्यादा मत डरो, अपने वाइब्रेशन को हाई रखो, और हर टाइम पे जब भी एंजाइटी आएगा तब आप होपोनोपोनो टेक्निक को इस्तेमाल करो। जरूर यहाँ पे क्लैरिटी आ रहा है विद इन 9 days में, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया था द मैजिशियंस कार्ड। सो बेसिकली आप लोगों का जो भी मैनिफेस्टेशन चल रहा है वो मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो जा रहे हैं विद इन 9 to 10 days के अंदर। और मैं देख सकता हूँ कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी, एंड साथ ही साथ मैं बोल सकता हूँ कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। तो अगर आपके पार्टनर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न या फिर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हैं, तो आप लोगों के लाइफ में मैं बोल सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट आ रहा है। अगर आप लोग बाकी सारे साइंस का भी हो तो भी मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे रिलेशनशिप का जो डेवलपमेंट है ये थोड़ा सा स्लो होगा, बट होगा ज़रूर। ये 9 से 12 दिन के अंदर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर आप लोगों का एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि आप दोनों के प्यार और भी अच्छे से बढ़ेगा। जो भी ओवरथिंकिंग या फिर ट्रस्ट इश्यूज स्लाइटली भी था वो भी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो जा रहे हैं। देखो यहाँ पे आया है किंग ऑफ शोर्ड्स का कार्ड, और किंग ऑफ शोर्ड्स मतलब क्या है? किंग ऑफ शोर्ड्स मतलब सच्चाई, क्लैरिटी। ये पर्सन आपको विद इन 14 days में प्रपोज करेंगे, कॉन्टैक्ट भी करेंगे और आपको कमिटमेंट दे देंगे। ये पर्सन अगर आपके पास आपको कुछ छुपा रहा था या फिर आप कुछ इसको छुपा रहे थे, तो ये इसको लेके भी बात करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने के लिए ये सोच रहे हैं। और ये आपके साथ जब बात करेगा तो ये ब्रूटली ऑनेस्ट होकर बात करेगा। तो हो सकता है इसका थोड़ा थोड़ा वर्ड्स आपको खराब लगे, बट बाद में जाके आपको सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं क्लैरिटी के लिए, और इसको रियलाइजेशन हो गया कि आप ही इसके लिए बने हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया है द लवर का कार्ड। तो बेसिकली ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का कार्ड है ही, बट उसके साथ साथ मैं बोल सकता हूँ कि कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस का एनर्जी भी मैं देख पा रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं बोल सकता हूँ कि एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी। तो मैं और भी एक चीज बोल सकता हूँ कि अगर आपके पार्टनर थोड़ा सा मेच्योर्ड है, थोड़ा सा एजेड है, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो आपके पास आके कुछ सॉरी बोलेगा या फिर सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश करेगा। फिनेंशियल हेल्प भी वो आपको कर सकता है या फिर आप दोनों मिलके कुछ कर सकते हो। मेरे ख्याल से आप लोग कुछ डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट कैसे आप लोग ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे, और आपको साइकिक मदद भी मिलेगा। हो सकता है आपको टैरो रीडिंग मिल रहा है, या फिर हो सकता है कि आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर बहुत अच्छे से भगवान के सामने अल्लाह के सामने प्रे कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हो, और आप कुछ ऐसे मैजिक इस्तेमाल कर रहे हो जहाँ पे उस पर्सन के अंदर चेंज आ रहा है। अगर आप लोग मैरिड हो या फिर मैरिड होने के बावजूद भी सेपरेटेड हो, या फिर आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, अबेंडन करके चले गए थे, आपके आप लोग कपल हो बट फिर भी वहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस हो गया था, तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस खत्म हो जा रहे हैं। अगर आप एक मैरिड पर्सन के साथ डेट कर रहे हो, तो वो मैरिड पर्सन आपके सामने आके बहुत ही सच्चाई से आपको कन्फ्यूज करेंगे कि क्या सीन है और वो क्या सोचते, कैसे सोचते आपके बारे में वो, और ये कैसा होगा, ये 14 दिन के अंदर वो आपको ये कमिटमेंट दे देंगे। उसके बाद आता है 7 of Pentacles, सच अ गुड कार्ड। ये 7 of Pentacles जब भी कोई रीडिंग पे आता है तब आप लोगों को मानना चाहिए कि ये रिलेशनशिप एक परमानेंट रिलेशनशिप है, ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, और यहाँ पे शादी लिखा है, यानी कि आपके लव लाइफ चेंज हो जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे बदल जा रहे हैं। मतलब
पहले क्या होता था रिलेशनशिप पे, जैसे ही आर्गुमेंट हुआ ब्रेकअप का ख्याल आता था. अभी आप लोगों का ब्रेकअप का ख्याल नहीं आएंगे, आप लोग यही सोचेंगे कि कैसे एक दूसरे को माफ किया जाए, कैसे एक दूसरे को रिकनेक्ट किया जाए, कैसे एक दूसरे को क्षमा किया जाए. तो आप लोग ऐसे ही सोचेंगे, बड़े पिक्चर्स के ओवर आप लोग देखोगे, यानी कि एक दूसरे को एडजस्ट करें, एक दूसरे को फॉरगिव कर देंगे, कॉम्प्रोमाइज भी थोड़ा बहुत करेंगे और वेट करेंगे कि कब सही वक्त आए. तो आप लोग फैमिली से बात करेंगे, या फिर आप लोगों का फैमिली प्रॉब्लम अगर चल रहा था तो फैमिली से बात होगा, म्यूचुअल डिस्कशन होगा. मेरे ख्याल से शादी फिक्स हो जाने का चांसेस है, या फिर दोनों फैमिली से अप्रिसिएशन मिलेगा आप लोगों को. और मेरे ख्याल से आप लोग डिसाइड करेंगे कि क्यों आप इस पर्सन के साथ हो, क्यों ये पर्सन आपके लिए सही है और क्यों आप उनके लिए सही हो. तो दोनों का इंपॉर्टेंस मिल जाएगा. एक दूसरे को आप लोग समझाएंगे और एक दूसरे से आप बहुत कुछ सीखेंगे. जैसे कि मान लो आप सीखेंगे इनसे कि कैसे सच्चाई के साथ लाइफ को जिया जाए, कैसे दूसरों को माफ़ किया जाए, और आप उसको सिखाएंगे कि कैसे डिटरमाइन रहना होगा लाइफ में, कैसे फोकस बढ़ाना होगा लाइफ में, और कैसे सच्चाई के साथ जिया जा सकता है. तो आप ऐसे सिखाएंगे. पहले मैं देख सकता हूँ कि आपके इम्पल्सिवनेस की वजह से, या फिर इमैच्योर हरकतों की वजह से वो बहुत गुस्से में आ गया था, वो शायद आपको कट ऑफ भी किया था. और मैं देख रहा हूँ कि वो उसको अभी याद आ रहा है और इसीलिए वो आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं. और मैं देख सकता हूँ सेम गोज विथ यू, कि आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, तो इसीलिए वो शायद आप उसको एम भी छोड़ के चले गए थे, या फिर आप उतना फोकस नहीं किए थे. अभी आपको लग रहा है कि आप कुछ गलत किए हो, तो किसी का रियलाइजेशन हो जा रहे हैं ना कि वो कुछ गलत किए हैं उसका बहुत, और वो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था. तो ऐसे रियलाइजेशंस होने के बाद वो आ रहे, वो आपको रिकनेक्ट कर रहे. और मेरे ख्याल से आपके जो भी रिलेशनशिप का सीड था वो अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहे, यानी कि एक नए रिलेशनशिप, एक पर्मानेंट रिलेशनशिप की ओर मतलब वो चेंज टर्न आउट हो जा रहे हैं. एंड मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. अगर आप लोग नए नए किसी पर्सन के साथ मिले हो तो ये नए पर्सन आपके परमानेंट पर्सन पे बदल जा रहे हैं, और ये चीज़ आप विटनेस करोगे. आपके रिलेशनशिप सीरियस रिलेशनशिप पे बदल जा रहे हैं. हो सकता है पहले छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट्स होता था, आपको डर लगता था कि क्या ये रिलेशनशिप बाकी में फ्यूचरिस्टिक है या फिर कैजुअल है. तो ये कैजुअल रिलेशनशिप तो एकदम ही नहीं है, एक सीरियस रिलेशनशिप है. आपके रिलेशनशिप बदल जा रहे हैं और कोई पर्सन आपको कमिटमेंट भी दे देंगे. मेरे ख्याल से आप लोग अगर शादी के लिए वेट कर रहे हो तो इक्विवेलेंट टू शादी का ही एक ऐसा ही सेम टाइप का रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ रहा है. यानी कि आपके पर्सन साफ साफ ये जाहिर करेंगे कि वो आप ही के साथ शादी करेंगे, किसी दूसरे पर्सन के साथ नहीं. अगर थर्ड पार्टी है तो वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी को छोड़े हैं और वो आपके पास कॉन्टैक्ट करेंगे ये बात बोलने के लिए, या फिर दोनों के बीच में अगर कोई भी डिस्कशन हो रहा था, या फिर चॉइसेस था, तो वो चॉइस खत्म हो गया है क्योंकि वो डिटरमाइंड है कि वो आपके दिल दुखाया था, तो इसीलिए वो माफ़ी मांगने के लिए रेडी है. तो इसी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आप लोगों को विद इन वन मंथ ये क्लैरिटी हो जाएगा कि क्यों आप इस पर्सन के साथ हो और आपके लाइफ में वो क्यों है. तो ये चीज़ का आपको अंदाज़ा हो जा रहा है. स्पेशली मैं बोल सकता हूँ कि आपके लिए वो कुछ करेंगे. हो सकता है आप लोग कुछ नए चीज़ खरीद सकते हो, या फिर रिसेंटली कुछ खरीदे हो, या फिर फिनेंशियल मदद वो कर सकता है, या फिर आप दोनों कोई काम के लिए जा सकते हो. हो सकता है आप लोग म्यूचुअली बैठ के कुछ डिसाइड करेंगे, या फिर झगड़ा हुआ था उसके बाद आके आप लोग फाइनली मीटअप कर रहे हो और आपस के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर कर दे रहे हो. मेनली मैं देख सकता हूँ आप लोग मिल रहे हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में भी है, अगर सेपरेशन में भी है, अगर दोनों ही शादीशुदा हो, दोनों ही दोनों को डेट करते हो, या फिर आप सिंगल हो, आपके पार्टनर मैच्योर्ड है, शादीशुदा है, एंगेज्ड है, तो भी आपको मैं देख सकता हूँ कि क्लैरिटी मिल रहा है. वो अपने थर्ड पार्टी को इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उससे उसका कुछ नहीं मिल रहा था, और वही उसके जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है वो है आप, और आपके सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है वो. तो इसीलिए दोनों बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहे हो. दोनों का जो भी डिस्ट्रैक्शन है, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस को, झमेले को आप लोग हटा के आप लोग मिल रहे हो, छुप छुप के मिल रहे हो. हो सकता है कोई सीक्रेट डेट, हो सकता है समाज से थोड़ा सा हटके आप लोग कुछ करेंगे, या फिर कहीं पे कहीं दूर जाके आप लोग मिलने वाले हो, और जो भी चीज़ आप करने वाले हो वो बहुत सक्सेसफुल होगा. इसी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि क्लैरिटी भी आ रहा है और आपको टेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपको प्यार भी करते हैं और वो आपको वादा भी करेंगे कि वो आप ही के साथ पूरा लाइफ बिताएंगे. तो ऐसे सीरियस कमिटमेंट के ओर ये रिलेशनशिप आगे बढ़ जा रहे हैं. तो इसी के साथ रीडिंग को खत्म करता हूँ. अगर रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए. ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट.